अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट आयशा उवैस और आज का हमारा शो बेसिकली इस चीज़ पे है कि हम जो हमारी आम आवाम है उससे पता कर सकें कि लॉकडाउन की वजह से उनके घरों में क्या मामलात हैं, किस तरीके से वो उनकी घरों में असरात हो रहे हैं। तो हम अभी जानेंगे, हमारे पास जो लोग मौजूद हैं थोड़ी देर में मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और उनसे मैं कुछ सवालात करती हूँ कि क्या क्या चल रहा है अभी उनकी ज़िंदगियों में। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे जो पहले यहाँ के गेस्ट हैं पेशावर से, जनाब खैरुल्ला साहब, तशरीफ़ लाइएगा। दूसरे गेस्ट तशरीफ ला रहे हैं सांगर से, जनाब नसीम शाह साहब। सजी दुनिया जे सिंधन जे नाव ओ मुजो जमाल हो जतन सा, मुजो जमाल हो सिंध सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी जे मे रोजो लाल लतीफ जो। अच्छा, अब हमारे थर्ड एंड लास्ट गेस्ट जो आ रहे हैं वो है मिस्टर अहमद साहब, जो कि कराची से तशरीफ ला रहे हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मेरी बात सुनिएगा जरा, ये नस्वार सिगरेट पान ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज अंदर रख लीजिए, शो चल रहा है। यार हमारा ऐसा नहीं करो यार, तुम हमको हमारा बीवी छोड़ने को बोल दो, हम छोड़ देगा ये। ये पापा ये अभी तो चलाया था, ये सब चीजें प्लीज अंदर रख लें क्योंकि एक शो हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं रख दे बटा, शो हो रहा है ना जनाब, अच्छा नहीं लग रहा, ये सब रख लीजिए आप। चलो यार बहुत शुक्रिया, तुम बोलता है तो सही है यार, रखता है, क्या मसला है। अच्छा जनाब खैरुल्ला साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये मसाजिद वगैरह को बंद करने का जो अहकाम जारी हुआ था हमारी हुकूमत की तरफ से, तो आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार आप पहले तो हमको तुम इतना बताओ यार कि तुम टीवी देखते है? जी जी बिल्कुल। तुम टीवी पे ड्रामे देखते है? जी। तुम टीवी पे डांस देखते है? ओह नो। जी हाँ। लानत तुम्हारा शक्ल, लानत तुम्हारा शक्ल। आराम से काम डाउन, थोड़ा रिलैक्स होके बात करें, अपने जज्बात को काबू में रखें और तहम्मुल से जवाब दीजिए अपनी बातों का। इसीलिए तो ये मस्जिदें बंद हुआ है आज, तुम क्या समझते है? हाँ, हमारे ऊपर ये अजाब आ रहा है, इस पर मस्जिदें बंद करवा दिया, मार्केट है सारा खोल दिया जिसका कोई जरूरत नहीं था खोलने का, और सारा मस्जिदों में बोलता है जुम्मे का नमाज नहीं पढ़ो। अरे ये नीचे फट जाएगा, नीचे चला जाएगा सारा लोग। इस वक्त हमें आपस में एक साथ नमाज पढ़ने की दुआ करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पता नहीं क्यों समझ नहीं आता है, मस्जिदें बंद करो, मस्जिदें बंद करो, तुम्हारा इस मस्जिदें पता क्यों मस्जिद क्यों मस्जिदें बंद करो, अरे वो बंद करो यार, हमारा मार्केट बंद कर जाके यार, ये क्यों बंद कर रहा है तुम यार, अपने जज्बात पे काबू रखिए। क्या काबू रखे मरा जाओ तुम्हारा यार, हुकूमत यार, मस्जिदें मस्जिदें कोई बंद करने वाली चीज है, नमाज पढ़ो उधर जाके यार, हम कदर करते हैं आपके जज्बात। बस यार छोड़ो यार मरा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं मैं उनसे सवाल करूंगी, नसीम शाह साहब से। नसीम शाह, आपका क्या कहना है इस बारे में, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन हुआ है, दुकानें बंद कर दी गई हैं, कारोबार बंद कर दिए गए हैं, तो क्या ये ठीक है? ये जो हमारे गरीब मजदूर तबका है, हमारा जो निचला तबका है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उनके साथ ये ठीक हुआ या नहीं? बाबा साईं, ये जो दुकाना वकाना बंद कराई है ना, इसके लिए तो हुकूमत ने जो फैसला करना था वो कर लिया है। अभी हम सारी आवाम जो है वो चरिया हो गया सब, ना कुछ सोचता है, ना कोई छोटा सा चीज़ भी लेना है तो 10 आदमी जाएगा दुकान पे, तो अब उसके लिए क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी को ना राशन मिल रहा है, ना खाने को कुछ है, तो आदमी तो फिर ऐसे ही बाहर जाएगा, मजदूरी ढूँढेगा ना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी सामान लेके हम घर को जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, हम अपना मम्मी से मिलेगा, अपने बाबा से, तो बाबा साईं हमारा तो घर वालों को तब लग जाएगा ना कोरोना, इसलिए इसे जो इंतजाम किया है हुकूमत ने, हमको चाहिए उस पर अमल करे। जी जी बिल्कुल नसीम शाह साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें, मैं ज़रा उनसे बात करके अहमद साहब से फिर आपसे पूछती हूँ। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट के लॉकडाउन के बारे में नसीम शाह साहब ने जो कहा, आप इनकी इस बात से मुत्तफिक करते हैं या नहीं? क्या मुत्तफिक हों इनकी बात से, ये हुकूमत का बोल रहे हैं, हुकूमत इनका क्या है, इनको तो कुछ भी नहीं करना, इनकी तो खेती बाड़ी चल रही है, अभी चले जाएंगे ये जाके गन्ने काटेंगे वो करेंगे, अभी खुद रुके हुए हैं ना ये, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, नहीं चल रही, सही है। और ये क्या पठान क्या बोल रहा है, इसके तो होटल चल रहे हैं, ये तो आधा शटर गिरा के भी दे रहा है, आ जाओ आ जाओ रोटियां ले लो, ये ले लो दाल ले लो, कर रहा है ना, परेशान तो हम आराम से, आराम से खैरुल्लाह साहब, आराम से, हम मजदूर हैं, आराम से बात कर, अरे बाबा बात सुन, बोलने दो, तुमने अपनी बारी में बोला, तुमने अपनी बारी में बोला, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप करें, आप बात करें, आप बिल्कुल बीच में ना बोलें, अपने जज्बात को काबू में रखें और तहम्मुल से जवाब दीजिए अपनी बातों का, प्लीज। जब तुम्हारी बारी हो जब बोलना, अभी मेरी बारी है, जैस्मीन इसका माइक बंद करो, थोड़ा सा माइक बंद करो, थोड़ा सा टाइम दे दो, अपने जज्बात पे थोड़ा काबू रखिए, प्लीज काम डाउन। देखें आप पर्सनल अटैक्स ना करें, किसी की कास्ट के बारे में ना बोले ना कि वो महाजिर है या जो भी है, महाजिर पठान की तो बात ही नहीं, सबको अपनी अपनी राय देने का हक है, अपनी बारी में बोलो, तुम अपनी बारी में बोलो, समझ वाला बात करो भाई, कोई समझ वाला बात करो, माहौल गरम हो गया बाबा, अरे बाबा यार तुम ही, अच्छा नाजरीन यहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा करने के लिए हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, तुम सब ठीक करेंगे बाबा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद आगे की गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, ब्रेक। कैसे हमारा बस थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है बाबा, सही थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करो, आप लोग वो बीबी देखो कितना, आप लोग अभी तो लड़ रहे थे कैमरे पर, अभी आप आराम से बात करें, ये क्या बात हुई, एक छत के नीचे एक पाकिस्तान के नीचे और इससे ज्यादा कुओं में, सही है ना, जितना जी बिल्कुल, वो शायद नहीं हो किसी में, तो हम सिर्फ थोड़ा सा कभी कभार लड़ लेते हैं क्योंकि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होता, वरना जितना मोहब्बत आपस में करते हैं उतना कोई नहीं करता, ये बस इट्स वेरी शॉकिंग, मैं तो बिल्कुल सामने तो लड़ाई हो जाती है हम लोग, अरे सही है, तो वैसे ही बहुत प्यारा है, हैरत हो रही है देख करके, एकदम आप लोगों ने बिल्कुल मूड स्विच कर लिया, जी नाज़रीन हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बाकी की बातें अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं लोगों से, या भाई ये क्या कंटिन्यू करोगे इनसे बातें यार, इनका तो दिमाग ही खराब है, पता नहीं किस हिसाब से बातें कर रहे हैं यार, अरे बाबा थोड़ा आराम से बात करो ना बाबा, आराम से नहीं होता, दिमाग गरम है उसका, बात सुनो यार, साइड हाथ तो लड़ो, मेरे साथ देख लो मैं कहीं पे फ्री नहीं होती किसी से, ठीक है लड़ो, इनका क्या है यार, ये गन्ने काटने चले जाएगा, इसका तो होटल चल रहा है ना, आधा शटर गिरा के चला रही है, हम परेशान है ना, हमारे शटर बंद करे हुए इन लोगों ने, तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है, चल रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अपनी बारी, ये शो चल रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना, आपने एक एक करके बात करनी है, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, एक एक करके बात करें, यहाँ पे आप लोग मुझसे बात करने के लिए बैठे हैं ना, देखिए होस्ट मैं हूँ, सवाल मैंने किया, जवाब आपने देना है, आपस में नहीं लड़ना आपने, अरे देखें किसी पे पर्सनल अटैक ना करें, किसी की कास्ट के बारे में ना बोलें, दोबारा बंद करो, समझ आए तुम, अभी मिलते हैं, प्लीज खामोश हो जाइए खैरुल्लाह साहब, तो के बाद तो जाएगा ना, प्लीज अपने जज्बात पे काबू रखिए, डोंट गेट इमोशनल प्लीज, साइलेंस, मेरे को अपनी बात रखने दो आवाम के साथ, जी आप बोलिए, कैमरे की तरफ देख के बोलता हूँ, अहमद साहब बोलिए, कैमरे की तरफ मैं बोलता हूँ, आवाम आप देख रहे हो, आपको पता है कि क्या हो रहा है, शटर हमारे बंद है, ₹200 जो बंदा ₹200 लेके जाता था ना घर अपने, जो रोज के कमाता था और खाता था, उसका क्या है, ये तो बोल रहे हैं कि हुकूमत सही है, हाँ इसकी एक बात से मैं, एक सेकंड मैं सारी बात इसकी नहीं ठुकरा रहा, मैं इसकी एक बात पे इसकी बात करूंगा कि इसने मस्जिद का बोला, हाँ मस्जिद में यार देखो आप मार्केट में रश लगा हुआ है तो वहाँ करो ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, वहाँ जो है आवाम जो है सामान ले रही है, कुछ मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने आएगा तो कोरोना लग जाएगा, अरे बाबा ये गलत है, लेकिन सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बोले आप किधर खड़ा है, अभी हम आ रहे हैं, जो मेरे को अपनी आवाम को पैगाम देना था वो मैंने दे दिया है, और अब इन लोगों की बहस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया, इन लोगों के मुंह लगना ही नहीं है भाई, मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आता भाई नहीं कर पठान, आता भाई नहीं, आराम से खैरुल्लाह साहब प्लीज, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, नाजरीन हम लोगों के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, और अपने अपने घरों में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ,
कोई ज़रूरी काम हो तो उस सूरत में बाहर निकलिए, अदरवाइज अपने अपने घर में रहिए, अपने बच्चों का और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो आपने ये देखा कि हर एक की लड़ाई हो रही है इधर, सब अपने अपने मसले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर इस कोरोना की जद में कोई आएगा तो वो एक पाकिस्तानी होगा, सिर्फ एक पाकिस्तानी, ना कोई पठान होगा, ना कोई बलोच होगा, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, वो एक पाकिस्तानी आएगा। तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं भी और आप लोग भी अपना ये किरदार निभाइए, पाकिस्तान को कोरोना वायरस की जंग से जितवाने के लिए हम सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा और हम सब मिलके ही जंग जितवाएंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमारी बहुत हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं कि यार वीडियोस में बहुत लेट कर रहे हो, बहुत टाइम बाद वीडियोस आप लोग की आ रही हैं, तो गाइस उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्यों हमारी वीडियोस लेट हो रही थी यार, ये क्वारंटीन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं, तो अब आपको बहुत जल्दी जल्दी नए नए कॉन्टेंट्स मिला करेंगे। और प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो ये हमारी वीडियो है, ये वीडियो किसी की दिलाजारी के लिए नहीं है, और जो है आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार दें और YouTube पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें इसके लिए, और ताकि आप हमारी इंटरेस्टिंग और वीडियोस आते रहें और देखते रहें। एंड लास्टली, पाकिस्तान जिंदाबाद। जरासीम बन सारा सीन, अब की सोच से भी ज्यादा ये मामला संगीन, मेरी सबसे दरख्वास्त है प्लीज क्वारंटीन, धरती को होना है फिर से ग्रीन, बन एयरपोर्ट, बन ट्रांसपोर्ट, बन कारोबार इम्पोर्ट।